राधे राधे। आज हम अपनी कान्हा जी के लिए इस तरह से, ये देखिए आप नेटिंग में, आप ये कान्हा जी की चोली है जो कि 0 से 1 नंबर साइज के कान्हा जी के लिए है, और ये हमने क्रोशे में बनाई, ये भी सेम साइज की ही 0 से 1 नंबर की। हम इस तरह से दोनों क्रोशे की और नेटिंग की आपको चोली बनाना सिखाएंगे इस वीडियो में। और इसी तरह से जैसे अभी हमने 0 से 1 नंबर की, आगे हम 2 या 3 नंबर, इस तरह से स्टेप वाइज आपको हर साइज की चोली बनाना मैं सिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। अगर जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपका जो भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम कान्हा जी की चोली बनाते हैं। सबसे पहले हम 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए क्रोशे से चोली बनाएंगे। उसके लिए हम 8 चेन सबसे पहले ले लेंगे। इस तरह से हम जो है 8 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3। ये मैं जो है 12 नंबर का क्रोशे ले रही हूँ, नॉर्मल ऊन ले रही हूँ, क्योंकि हमारे 0 से 1 नंबर कान्हा जी ज़्यादा बड़े नहीं होते। आप बड़े कान्हा जी के लिए 10 नंबर का क्रोशिया नॉर्मल ऊन ले सकते हो। 8 चेन ले ली है, ये देखिए आप, ये मेरे पास जो 8 चेन है। इसके बाद हम 1 चेन और ले रहे हैं, ये 9 चेन हो गई है। इस 1 चेन को छोड़कर उसकी अगली चेन में से, यानी कि ये 8 की 8 चेन जो है, इनमें से हम सिंगल क्रोशिया एक एक बार लेंगे। गले में सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि हमारे छोटे कान्हा जी है, तो हम इस ड्रेस को अगर सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे डबल क्रोशिया में बहुत ज़्यादा खुला खुला बनता है। बड़े कान्हा जी की बनाएंगे तो हम डबल क्रोशिया इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से है जो है, हम हर चेन में से एक एक बार, ये देखिए, सिंगल क्रोशिया लेंगे, हमने हर चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया लिया, तो ये हमारे पास 8 स्टिच हो गई हैं। अब हम किनारे पे पहुंच गए हैं, यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे ऐसे, और इसको इस तरह से पलट देंगे। अब हमारे पास जो 8 चेन हैं, इनमें से हर एक में से 2-2 बार हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, यानी कि 16 बार। ये एक बार हमने जो चेन ली, ये हमारा एक बार हो गया। उसी चेन में से हम जो है बिल्कुल ये किनारे वाले, यहीं से हम एक बार और ले लेंगे। ये हमारे पास 2 स्टिच हो गई है। अब हम हर चेन में से 2-2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, इससे हमारे पास 16 स्टिच हो जाएंगी। ये देखिए हम हर एक में से 2-2 बार ले रहे हैं। हमने हर एक चेन में से 2-2 बार सिंगल क्रोशिया लिया। अब हम 1 चेन लेंगे लास्ट में, ये देखिए, और इस तरह से फिर पलट देंगे। अब हमें क्या करना है, पहली चेन में हमने ये 1 चेन लिया, उससे अगली चेन में से हम, यानी कि ये जो आप देख सकते हो किनारे पे है, इसमें से हम एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, और उसकी दूसरी चेन है उसमें से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम जो है, अब ये देखिए 2 बार ले लिया, उससे अगली चेन में से हम 1 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर उससे अगली चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम एक को छोड़कर उससे अगली में 2-2 बार लेंगे, इससे हमारी जो है टोटल स्टिच 24 हो जाएंगी। ये 2 बार, देखिए बारीक बारीक हम कर रहे हैं काम, क्योंकि सिंगल क्रोशे से छोटे कान्हा जी हमारे। ये देखिए हमने हर एक चेन में से, यानी कि 1 चेन में से हम 2 बार लिया, तो हमने 1 में से 1 बार लिया, तो टोटल हमारी स्टिच हो गई है 24। तो ये देखिए आप गिन सकते हैं यहां से, इस तरह से, जैसे आपको लगता है तो आप इस तरह से जो है चेन को गिन सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से आप गिन सकते हो। ये हमारे पास 24 चेन है। अब हमारी जो चोली की गोलाई पूरी हो गई है। अब हम इसको बाजू और फ्रंट और बैक के हिसाब से इसको हम बांट लेंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे पास 24 है, तो
तो हम यहाँ की शुरू की तीन चेन, यहाँ से तीन चेन, यानी कि छः चेन हो गई हमारी, और पीछे की छः चेन, इस हिसाब से आप एक निशान लगा लेंगे, और दोनों तरफ बाजू की छः छः चेन। तो इस तरह से आप किसी भी कलरफुल ऊन को आप लगा सकते हो, जिससे आपको पता चले कि हमने फ्रंट को छः हिस्से में बांट दिया, पीछे भी छः, एक मतलब कि आपका कहीं कम ज़्यादा नहीं है, सीधा सा आपका 24 का हिसाब 6-6 का पड़ रहा है, यानी कि तीन शुरू में तीन, फिर छः, फिर छः, फिर तीन, और इस तरह से सामने की तीन हो गई। हम मार्कर का इस्तेमाल करें, यानी कि एक, आप इस तरह से गिनिए, एक दो तीन, इस ये देखिए हम तीन पर हमने इस तरह से मार्कर लगा लिया है। अब दूसरा मार्कर लगेगा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारी बाजू वाली साइड है, यहाँ पर हमने दूसरा मार्कर लगा लिया, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ से पीछे का हिस्सा यहाँ पर छः पे लगा लेंगे, फिर हम छः पे लगा लेंगे, और लास्ट का हमारा तीन बच जाएगा। देखिए हमने तीन के बाद एक, फिर छः, फिर छः, फिर छः, इस तरह से हमने चार मार्कर लगा लिए हैं, जिससे कि आपको निशानी, यानी कि अब हमें क्या करना है, ये देखिए हम किनारे पे हमारी ये ऊन है, यहाँ से हम इस तरह से पलट देंगे, एक चेन लेंगे, और ये हमारी जो तीन स्टिच हैं इनको बुन लेंगे, एक दो, और जो तीसरी में हमने मार्कर लगाया था उसको भी बुन लेंगे, और मार्कर को निकाल देंगे, ये तीन स्टिच बुन ली हमने, मार्कर निकाल दिया। अब ये जो हमारा दूसरा मार्कर है, सीधे हम डायरेक्ट यहीं पर जो है सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, यानी कि इसमें, तो आप मार्कर निकाल दीजिए, या इस तरह से हमने ये देखिए सिंगल क्रोशिया मार्कर वाली स्टिच में से अब यहाँ से हमने मार्कर निकाल दिया। अब ये हमारी बाजू बन गई है। अब ये पीछे की छह स्टिच, यानी कि एक दो तीन चार और ये पांच, अच्छा डी पे हमारा मार्कर है, मार्कर निकाल लेंगे, यहाँ से भी हम जो है अपना एक स्टिच बना लेंगे, और सीधे फिर इस मार्कर पर, और इस मार्कर को हम निकाल देंगे क्योंकि हमारी बाजू है, यहाँ से भी हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, और एक स्टिच हो गई, और ये लास्ट की दो, यानी कि तीन तीन हो गई। एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, आप आगे इस पर आउटलाइन कर सकते हैं क्रोशिया से, जिससे कि और सुंदर हो जाएगा। ये देखिए ये बाजू बन गई, ये बाजू बन गई, ये हमारी छोटी सी चोली। अब हमारे बहुत बड़े काना जी नहीं है, तो एक राउंड तो हमारा बन गया है। अब लास्ट में एक चेन ओढ़ लेंगे, और हम सिर्फ एक राउंड ओढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा घेरा, यानी कि हमारी चोली जो है बन गई, एक से जीरो नंबर, जीरो से सॉरी एक नंबर काना जी की। इस तरह से हम ये सारी एक एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, यानी कि टोटल हुई हमारी 12 चेन। हमारी छोटी सी चोली बन गई, हम यहाँ से उनको काट देंगे। तो ये देखिए छोटी सी बिल्कुल चोली बन गई। अब हम इसमें आउटलाइन कर सकते हैं अपने दूसरे कलर से। आउटलाइन के लिए हम इस तरह से दूसरा कलर का अपना ऊन ले लेंगे, कहीं भी किनारे से आप इसको नेक पे या बाजू पे आप बना सकते हो, और आगे की भी। तो यहाँ से आप कहीं भी किनारे से आप इस तरह से शुरू कर दीजिए। इसमें जो है हम ये देखिए एक चेन ली हमने, ऊन लगा दिए, सिंगल क्रोशिया हम लेंगे किनारे किनारे से, इस तरह से ये हमारी आउटलाइन बन जाएगी। तो आप बाजू पे, सामने, गले पे, इस तरह से बस आउटलाइन बना लीजिए। देखिए ये देखिए, आप देख सकते हो कितनी छोटी चोली बनी है। इसी तरह से ये देखिए हमने यहाँ से ये जो है गले की आउटलाइन कर दी। इस तरह से हम बाजू में इस तरह से किनारे से ऐसे उठा लेंगे, और सिंगल क्रोशिया जो है बुन लेंगे। ये आप स्लिप स्टिच भी ले सकते हो, इस तरह से इसको खींच लिए यहाँ से, और गोलाई में जितने भी हमारे छः चेन हैं इसमें से एक एक करके इस तरह से आपको बुन लेना है।
ये देखिए हमारे छोटे से कान्हा जी के लिए, 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हमने सिंगल क्रोशे से बनाया, ये छोटी सी चोली बन के तैयार हो गई है इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारी छोटी छोटी बाजू, ये देखिए, तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आप सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हो मेरे हाथ में कितनी छोटी है। तो इस तरह से आप कान्हा जी की क्रोशे से छोटी सी चोली आपने बनाई है और नीचे से जो है आप घेरा शुरू कर सकते हो। तो ये हमारा चोली का बेसिक हमने आपको सिखाया है। अगली वीडियो में मैं आपको 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना सिखाऊंगी, यानी कि ये साइज जो है 0 और 1 को आ जाता है। तो 2 नंबर 2 साइज जो है एक ही स्टिच से बन जाते हैं। अब हम इसी चोली को ऊन सिलाई यानी कि नीटिंग से बनाएंगे, यानी कि आपको मेरी दोनों वीडियो एक ही वीडियो में, यानी नीटिंग और क्रोशिए। क्योंकि कई सब्सक्राइबर बोलते हैं कि भाई आप मुझे नीटिंग भी सिखाइए, मुझे नीटिंग आता है, किसी को क्रोशिया आता है, तो ये मैं दोनों की प्रॉब्लम ही हल कर देती हूँ एक ही वीडियो में। दोनों की जो नीटिंग की भी क्रोशिए की आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो देखते रहिए मेरी वीडियो। अब हम नीटिंग में बनाएंगे 0 से 1 नंबर साइज का। तो ये हमने जो है 12 फंदे डाले हैं, 12 फंदों में हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बना के तैयार की हुई हैं, यानी कि इस तरह से जो बनती है ये आगे की तरफ ऐसे जो बनते हैं, दोनों तरफ से हमने इस तरह से जो सिलाइयाँ उल्टी बनाई हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, शुरू के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और बीच के 8 फंदे हम लगातार बढ़ाएंगे। ये तरीका मेरा पहले भी 0 से 1 साइज़ का जो हमने वाइट ड्रेस मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं उसमें मैंने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है जिससे लोगों को समझ में नहीं आया है। तो इसलिए वही चोली मैं इस वीडियो में भी बना रही हूँ। ये आसान तरीका है, मैं आपको थोड़ा पेपर पे भी बताऊँगी। किसी ने मेरे को कहा कि भी आप थोड़ा सा ग्राफ बना के भी दिखाइए, तो मैं कोशिश करूँगी इस बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेरे 12 फंदे हैं। तो पहले 2 फंदे हम जो है उल्टे बुनेंगे, ये हमारा साइड का बॉर्डर होगा, यानी कि ये फ्रंट ओपन जो होती है ड्रेस उसका, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और लास्ट के भी हमारे 2 फंदे उल्टे होंगे, यानी कि 12 फंदे। तो बीच के हमारे 8 फंदे हैं, इनको हमें बढ़ाना है, यानी कि हर एक फंदे को बढ़ाना है। ये एक ऐसे हमने सीधा बुना और ये ऐसे देखिए सीधा बुना, ऐसे रखा सिलाई को और ये पीछे से इस तरह से आप देख सकते हैं, पीछे से इस तरह से हमें इसी फंदे को दोबारा सीधा बुनना है। तो ये हमारा एक ही फंदे से 2 फंदे बन गए। फिर से देखिए, ये हमने सीधा बुना, सिलाई को ऐसे रखा, फंदे को निकाला नहीं है, फिर पीछे से हमने उसी फंदे को बुना, ये हमारे फंदे 2 फंदे बढ़ गए हैं। यानी कि एक बार हम आगे की, ये देखिए आगे से ऐसे बुनते हैं सीधा, ऊन हमारा पीछे की तरफ ही रहता है और फिर हम पीछे से हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरह से हमें 8 फंदे बुनने हैं, लास्ट के 2 उल्टे। ये हमारे लास्ट में आ गए हम, 8 फंदे हमने बढ़ा दिए हैं, लास्ट के हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई थी। चौथी सिलाई पे हमें कुछ नहीं करना, इस तरह से हमें पहला फंदा बिना बुना ले लेना है और ऐसे हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। और पांचवी सिलाई पे हम फिर से फंदों को बढ़ाएंगे। ये मैंने पेपर पे इस तरह से ड्रॉ किया है, यानी कि ये जो हमारी तीसरी सिलाई हमने जैसे बनाई है, ये हमारे जो है 12 फंदे हैं, शुरू के 2 फंदे हमने बढ़ाए नहीं है, उल्टे बने हैं, और ये बीच के 8 फंदे, ये आप ऐसे निशान देख रहे होंगे, इसका मतलब हमने एक ही फंदे से हर एक फंदे को बढ़ाया है और लास्ट के हमने 2 फंदे नहीं बढ़ाए हैं। तो ये जो हमारे फंदे हैं बढ़कर बीच के फंदे हमारे 16 फंदे बन गए हैं। और जो चौथी सिलाई है हमारी, वो पूरी हमारी उल्टी बनेगी। अब हम पाँचवीं सिलाई पर जो बनाएंगे, ये देखिए पांचवी सिलाई मैंने इस तरह से ड्रॉ की है, यानी कि बीच के जो हमारे ये 16 फंदे हैं, जो 8 से जो हमारे 16 बन गए थे, उनमें हमने क्या करना है, शुरू के दोनों फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, लास्ट के फंदे हमें दोनों उल्टे बनाने हैं। जब हम 2 उल्टे बना लेंगे तो पहला फंदा हम सिंगल बनाएंगे सीधा फंदा, और ये 2 जोड़े यानी कि बीच के 2 फंदे हैं हमारे, आप ये देखिए मैं सर्कल लगाया है, यानी कि एक फंदा हमारा सीधा बुना है, ये दोनों फंदों पर हमें फंदे बढ़ाने हैं,
यानी कि सीधी सिलाई पर ही हमारे फंदे बढ़ेंगे, उल्टी हमारी सीधी उल्टी बनेगी। फिर हमने दो फंदे सीधे यानी कि एक एक फंदा लिया, आप एक लाइन का मतलब हमने एक एक सिंगल लिया, जहाँ मैंने इस तरह से दो लाइनें खींची इसका मतलब हमने एक ही फंदे से दो फंदे बढ़ाए हैं। तो यानी कि मैंने पहला फंदा जो है एक लिया है, ये हमारे दोनों उल्टे हैं बॉर्डर के। उसके बाद हमने एक सीधा लिया, दो फंदे हमने लगातार बढ़ाए, फिर दो फंदे हमने एक एक फंदा जो है उतारा है, और फिर हमने जो है दो फंदे बढ़ाए फिर एक, यानी कि हम दो फंदे एक एक बार बुन रहे हैं और दो लगातार हम बना रहे हैं, यानी कि 16 फंदे इस तरह बनाए। तो हमारा लास्ट में जो है एक फंदा बचा जो कि हमने सीधा लिया। तो इस तरह से हमारी सिलाई पांचवी हो गई, छठी हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो पहले पांचवी सिलाई बना लेते हैं। ये पांचवी सिलाई बनाते हैं ग्राफ से देखकर इस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको पहले दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। आप चाहे तो पहला फंदा बिना बुना ले सकते हो, ये हमने बिना बुना ले लिया है, दूसरा उल्टा, यानी कि ये दो फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। अभी आप देख सकते हो इसमें मैंने पहला फंदा सिर्फ एक लाइन डाली, इसका मतलब एक बार सीधा फंदा बुनना है। ये हमने एक सीधा फंदा जो है बुन लिया है। ये दो उल्टे हो गए और ये एक सीधा फंदा हमने बुन लिया है। अब आप देखेंगे दो फंदे लगातार हमें बढ़ाने हैं। बढ़ाने का वही तरीका है, पहले सीधा बुना और फिर पीछे की तरफ से इस तरह से हमने सीधे ही इसको बढ़ा लिया। इस तरह से हमने दो फंदे लगातार बढ़ा लिए पीछे की तरफ से ऐसे। अब आप देख सकते हैं दो फंदे फिर एक एक बार बुनने हैं। ये हमने दो एक बार बुना, बढ़ाया नहीं है, फिर एक बुना, नहीं बढ़ाया, अब दो फंदे फिर लगातार हम बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हो लास्ट में हमारा एक फंदा बुनेगा बचेगा सीधा और लास्ट में दो फंदे उल्टे। इस तरह से हमने दो बढ़ा रहे हैं, दो नहीं बढ़ा रहे। ये देखिए लास्ट में हमारा एक तीन फंदे हैं, तो पहले ये हम एक सीधा बुनेंगे और लास्ट के हम दो फंदे उल्टे। ये हमारी पांचवी सिलाई जो है पूरी हो गई है। छठी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, पहला फंदा बिना बुना रही है इस तरह से, और सातवीं सिलाई पे एक बार और हम बढ़ाएंगे। तो ये हमारे 16 फंदे हमने इस तरह से सिलाई किए। अब हमारी सातवीं सिलाई, तो आप ये देखिए अब हम सातवीं सिलाई का ग्राफ बनाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ इधर हमने 8 को बढ़ाए तो 16 हो गए थे, यहाँ पर हमने बढ़ाए 16 फंदों में। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 फंदे और इसमें 16 में जुड़ गए हैं। तो ये 8 जुड़ने से हमारे 24 हो गए हैं। अब हम इसी तरह से ये देखिए सातवीं, बस हमें इसके बाद नहीं बढ़ाने क्योंकि हमारा ये साइज छोटा है। जैसे अगर आपको आगे बड़ा साइज बनाना है तो आप इसी तरह से जो है आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अभी मैं जो है 0 से 1 नंबर का ही साइज बता रही हूँ। पहले दो फंदे हमारे दोनों तरफ उल्टे बनाने हैं, उसके बाद हम बीच में जो है 24 फंदे लगाएंगे। देखिए मैंने इस तरह से पहले की तरह दोनों शुरू के दो फंदे उल्टे, लास्ट के दो फंदे उल्टे, और बीच में ये हमने 24 फंदे शो किए हैं। 0 0 आप देखिए हमारे 24 फंदे हैं। इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने पांचवी सिलाई में एक लिया था, अब हम शुरू में पहले दो फंदे उल्टे बुन के ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, उसके बाद हम ये दो फंदे बढ़ाएंगे लगातार। यहाँ पर हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे जिसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, फिर दो फंदे लगातार, फिर हम 4 2 3 4 फिर दो फंदे लगातार, फिर 1 2 3 4 और ये दो फंदे लगातार। आप देखेंगे लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं, शुरू में भी हमारे दो फंदे हमने सीधे बुने थे, एक एक बार ऐसे हम लास्ट के भी दो फंदे एक एक बार बुनेंगे। तो इस तरह से हमें पूरी सिलाई सातवीं बनानी है और हमारा चोली का ऊपर का हिस्सा पूरा हो जाएगा। हमने जैसे निशान लगाए उसी तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये हमारे दोनों फंदे जो हैं उल्टे बनेंगे, पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं, जैसे ये दो फंदे हमारे उल्टे बना लिए हमने,
और पीछे की तरफ ऊन को किया। आप देख सकते हो दो फंदे मैंने सीधी लाइन लगाई हुई है एक एक बार, यानी कि इस पर हमने नहीं बढ़ाना। तो एक और ये दो। अब आप देख रहे होंगे ये जो वी बनाती हूँ मैं, इसका मतलब दो, एक से दो फंदे बढ़ाने। तो दो फंदे, ये मैं आपको फिर से यहाँ सर्कल लगाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने दो फंदे लगातार बढ़ाए हैं, यानी कि एक से दो। और फिर हमारे ये देखिए सर्कल मैंने बनाए हैं, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं दो दो फंदे लगातार। तो ये बीच में हमारे चार चार आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इस तरह से हमें पूरी सिलाई बनानी है। तो ये दो फंदे बना लिए हमने, अब हम दो फंदे लगातार बढ़ा रहे हैं, एक और पीछे से एक, एक फंदा में से हमने दो फंदे बढ़ा लिए। फिर दूसरा फंदा भी हम इसी तरह से एक से दो बना लेंगे, एक और ये पीछे से दो। अब ये चार बार हम एक एक लेंगे, सीधा बढ़ाएंगे नहीं, एक दो तीन चार। फिर ये देखिए दो बार हमारे एक साथ बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई उतारनी है। ये देखिए हमने सातवीं सिलाई पूरी इसी तरह से बना ली है, और आठवीं सिलाई जो हमने उल्टी बना ली है। अब हमें आगे नहीं बढ़ाना है। ये हमारे पास जो है, अब हमारे आठ फंदे फिर बढ़ गए हैं, यानी कि 32 फंदे हो गए हैं, और दोनों तरफ के दो दो फंदे जो हमारे उल्टे हैं। तो ये देखिए अब हम इसमें बाजू के लिए और पीछे के लिए सब हम आपस में इनको बांट लेंगे। जैसे ये दो हमारे उल्टे हैं शुरू के, ये हमारी पट्टी है। इसके बाद हम चार सीधे बुनेंगे, जैसे हमने पहले दो बुने थे, अब हमें इसका हिसाब में हम सीधे चार बुनेंगे, चार इधर, यानी कि टोटल यहाँ से छः फंदे हो जाएंगे, दो उल्टे चार, इधर से भी चार और दो उल्टे। ये हमारे फ्रंट के होंगे, पीछे के बैक के जो हम 12 फंदे रखेंगे, और बाजू में हम छः छः फंदे रखेंगे। अगर हम इस तरह से पेपर पर देखते हैं तो ये हमने जो लाइनें खींची हैं ये हमारे फंदे हैं 36, यानी कि 36 फंदे, जिसमें कि दो उल्टे इधर हैं दो उल्टे इधर हैं। तो हमने कैसे बांटे, मैं आपको एक ये देखिए, ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, लास्ट के भी दो फंदे उल्टे हैं, यानी कि शुरू के चार फंदे, एक दो तीन चार, यानी कि ये टोटल हो गए छः फंदे। ऐसे इधर एक दो तीन चार, ये हो गए छः फंदे, यानी कि छः इधर हो गए छः इधर हो गए। फिर हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे बाजू के हमारे, इधर से भी एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे हमारे इधर भी बाजू के हैं, और बीच में हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये पीछे के हमारे छः फंदे, बारह फंदे सॉरी बैक के हैं। इस तरह से आप इनको बांट लीजिए। हम इस तरह से देखिए सिलाई पे कैसे बनाएंगे। दो फंदे हमने उल्टे बनाए, उनको पीछे ले गए, चार फंदे हमने ये सीधे बनाए, एक दो तीन चार। अब यहाँ से हमें छः रखने हैं, यानी कि पहला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे, यानी कि छः फंदे, एक चार हमने बुन लिए, छः फिर बुन रहे हम, दो तीन चार पाँच छः। हमने चार फंदे बुने, फिर छः बुने, फिर हम सिलाई को पलट देंगे, क्योंकि अब हमें बाजू यहाँ से बंद करनी है। यहाँ से हम फिर से छः फंदे उल्टे बुन लेंगे, हम आगे नहीं गए, हमने पलट दिया है, हम पहले यहाँ से जो बाजू को बंद कर देंगे। इस तरह से उल्टी सिलाई बुनी, तीन देखिए चार पाँच और ये छः। फिर हम इसको आगे नहीं बुनेंगे, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये बीच के हमने छः फंदे बुने बाजू के, फिर हम इसको सीधी तरफ ले आएंगे और आगे ऊन को करेंगे। अब उल्टी तरफ से हम इसको बंद कर देंगे, चाहे तो आप उल्टी सिलाई बना सकते हो बॉर्डर बनाना चाहो तो, नहीं तो हम इस तरह से बंद कर देंगे। दो फंदे एक साथ ऐसे बुने, उल्टा बनाया ऐसे और उसको ये निकाल दिया। फिर जो सिलाई में फंदा आया है इसको उल्टा सिलाई में हमने इस तरह डाल दिया, फिर दो फंदे बुने ऐसे हमने निकाल दिया, फिर इसे उल्टा सिलाई में ले लिया।
अगर आपको और तरह से बंद करना आता है, आप बंद मतलब कि 6 फंदे हमने बंद करने हैं। ये देखिए, फिर हमने सिलाई में ले लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर हमने सिलाई में ले लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। ये लास्ट का फंदा हमारा बचा है छठा, ये देखिए हमारी बंद हो गया। इसको भी हम ये बैक वाले के साथ में इस तरह से बंद कर देंगे, यानी कि छठा फंदा भी हम बंद कर देंगे। ये एक फंदा सिलाई में आ गया, इसको हम गिनेंगे, एक हमारा हो गया क्योंकि बैक से हमने बंद किया था। अब 12 फंदे हो जाएंगे, 2, 3। ये हमने पीछे के 12 फंदे बुन लिए। जैसे हमने 0 से 1 साइज बताया आपको, मैं बेबी ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ये चोली थोड़ी बड़ी लगती है तो आप फंदे थोड़े कम कर सकते हो, यानी कि बीच ये 12 की बजाय आप इसको 11 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, जैसे आपकी ऊन अगर ज़्यादा मोटी या पतली है। जैसे अब हम ये देखिए, हमने 12 बुन दिए, अब हम 6 फंदे फिर से हम जो है इसको इसी तरह से बुनेंगे, 6 फंदे बुन लेंगे एक सिलाई करके। यहाँ पर हमने सीधी पे बंद किया था तो यहाँ पर भी हम सीधी पे बंद करेंगे, यानी कि 1, 2, 3। हमने 6 फंदे बुने हैं, फिर उल्टी आ गई, हमने आगे नहीं बुना, फिर यहाँ से हम पूरी उल्टी सिलाई बुन लेंगे 6 फंदे और सीधी पे 6 फंदे हम बंद कर देंगे। कि हम सीधी फिर हम पलट कर इधर आ गए हैं, यहाँ से हम इनको इस तरह से 6 फंदों को बंद कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया था इस तरह से सिलाई में डाला और 2 का 1 ऐसे करके बंद कर दिया, फिर सिलाई में उल्टा डाला और फिर हमने ये 2 फंदे एक साथ ऐसे घटा दिए, फिर इसे सिलाई में उल्टा डाला। इस तरह से हमने 6 फंदे बंद कर देंगे। देखिए ये हमारे 6 फंदे बंद हो गए हैं। इसको लास्ट में इसी तरह से पीछे की तरफ ऊन ले जाएंगे, या फिर इसको पहले हम बंद कर लेंगे क्योंकि 6 के बंद हमारे होने चाहिए। ये हम आगे वाले फंदे से एक बार और ऐसे बंद कर देंगे और ये हमारे 4 फंदे और 2 उल्टे, इस तरह से हमारी पूरी सिलाई पूरी हो जाएगी। देखिए हमारी ये बाजू हो गई, एक बाजू ये हो गई, और इन फंदों को हम इकट्ठा कर देंगे। जितनी आपको लंबी चोली बनानी हो आप उस हिसाब से लंबी बना सकते हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, हम सिर्फ 2 या 3 सिलाइयाँ इसकी उतारेंगे, जो कि शुरू के उल्टे लास्ट के उल्टे चलेंगे, बीच में सीधे उल्टी, यानी कि 3 सिलाइयाँ हम नॉर्मल अब उतार लेंगे, ना हमें घटाना है ना बढ़ाना है। ये देखिए उल्टी सिलाई हम उतार रहे हैं। अब ये देखिए बाजू हमारी यहाँ पर आ गई, चाहे तो आप इनको 2, ये देखिए हमने यहाँ से ये जो हमारा ये बाजू का लास्ट का फंदा है, इसको अब ये बाजू के इस लास्ट के फंदे को इस तरह से दोनों को भी हम इकट्ठा ऐसे बंद कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने बंद कर दिया, तो यहाँ से हमारी बाजू इस तरह से बंद हो गई है। ऐसे हम पूरे फंदे बीच के बना लेंगे, लास्ट में भी हम इस तरह से बाजू को बंद कर देंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए हम, ये बाजू आ गई हमारी, फिर से इसको और इसकी लास्ट वाले फंदे को इस तरह से हमने दोनों को ऐसे इकट्ठा बुन लिया और सीधी ये सिलाई हमारी पूरी सिलाई हमने उल्टी बना ली। अभी हमारी सीधी साइड आ गई है, ये देखिए एक सिलाई हमने बना ली है। ये देखिए बाजू अलग से दिख रही होगी आपको, इस तरह से आप यहाँ जितने चाहे लेंथ बना सकते हो। देखिए हमारी चोली हमें इतनी चाहिए, सिर्फ हमने 2 सिलाई बनाई, तीसरी पे हम बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये ड्रेस आगे बनानी है तो हमें यहीं से ही घेरा शुरू कर देना है, यहीं से हमें घेरे के फंदे बढ़ा देने हैं, लेकिन सिर्फ अभी हम चोली बनाना सिखा रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ से बंद कर रहे हैं। ये देखिए 0 से 1 नंबर कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो गई, क्रोशे की भी निटिंग भी, आपको ज़रूर ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। आगे भी मेरी इसी तरह वीडियो आप 10 नंबर तक कान्हा जी की में बेसिक जो है आपको बताऊंगी, जिससे कि आप सब कान्हा जी की अपने हाथों से अच्छे से ड्रेस बना सकें। आप इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। राधे राधे।